आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा के व्रत को सबसे कठिन व्रत क्यों माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में लगभग 12 घंटे, तीज में 24 घंटे और छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला कठोर व्रत रखने का नियम है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रत छठ पूजा है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखने के साथ साथ बहुत ही विधि विधान, पूजा और कुछ नियमों का पालन करना होता है। पहला, इस व्रत को करने वाला लगभग 36 घंटों तक बिना पानी पिए व्रत की विधियों का पालन करता है। दूसरा, छठ का व्रत 4 दिन तक किया जाता है, जो कि नहाए खाए के साथ शुरू होता है। दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन उषा अर्घ। तीसरा, इसमें व्रत करने वाले को तपस्वी जैसा जीवन जीना होता है, इसमें वो किसी भी सुख साधन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चौथा, व्रत करने वाले को बिना सिलाई के कपड़े पहनने होते हैं, साथ ही बेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पांचवा, 36 घंटे के निर्जला व्रत में मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर खाना पकाया जाता है। छठा, चौथा दिन महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि 36 घंटों का निर्जला व्रत और फिर जमा देने वाले नदी या तालाब के ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान के निकलने का इंतजार करना पड़ता है। अर्घ करके ही महिला प्रसाद खाकर पानी पीती है। महिलाएं इस व्रत को तब तक करती हैं जब तक अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इस व्रत के लिए तैयार ना कर लिया जाए। अदिति, बिल्कुल हर साल यहाँ पर जो भोजपुरी कलाकार है वो आते हैं, शिरकत करते हैं, यहाँ पर लोगों का भी मनोरंजन होता है, क्योंकि रात भर जो यहाँ पर इनकी पूजा चलती है। लेकिन मनोज तिवारी भले ना यहाँ पर हो, लेकिन कार्यक्रम आज वैसा ही होगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको संजय निरुपम द्वारा आयोजित कार्यक्रम का स्टेज दिखाई दे रहा होगा। बस थोड़ी देर में यहाँ पर सोनू निगम जैसे बड़े कलाकार भी शिरकत करेंगे और यहाँ पर जो गीत है उनसे लोगों को रोमांच, मतलब यहाँ पर जितने भी देर यहाँ पर लोग रुकेंगे वो इन कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे, साथ ही अपनी पूजा भी पूरी करेंगे। तो इंतजाम में कहीं कमी नहीं है, दोनों जगह पर कार्यक्रम होने वाले हैं। एक स्टेज हम आपको दिखा चुके हैं, साथ ही साथ जो सुरक्षा है उसके इंतजाम भी पुख्ता है, चौपर से नजर रखी।
आदित्य चौधरी जी की ओर से इस छठ महापर्व में ₹100 का अनुदान मिला है। भैया उनकी कामनाएं पूर्ण करें।